उत्तर प्रदेश सरकार की मंत्री कमला रानी वरुण की आज कोरोना वायरस संक्रमण के चलते मौत हो गई। कमला रानी का लखनऊ के पीजीआई अस्पताल में इलाज चल रहा था। कैबिनेट मंत्री कमला रानी के निधन पर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शोक व्यक्त किया है। गौरतलब है कि 62 वर्षीय कमला रानी वरुण 12वीं लोकसभा में सांसद भी रह चुकी हैं और अभी वह योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री के पद पर थीं। वह कानपुर की रहने वाली थीं और वर्तमान में घाटमपुर विधानसभा से विधायक थीं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का रविवार को अयोध्या का दौरा था, लेकिन कमला रानी के निधन के बाद मुख्यमंत्री ने अपना अयोध्या दौरा रद्द कर दिया। इस मौके पर अपनी शोक संवेदना व्यक्त करते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्राविधिक शिक्षा मंत्री कमला रानी वरुण का बीते कई दिनों से इलाज चल रहा था, वो कोरोना पॉजिटिव थी। रविवार की सुबह उनका दुखद निधन हुआ है। मैं श्रीमती कमला रानी वरुण के दुखद निधन पर उनके प्रति कोटि कोटि श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ईश्वर श्रीमती कमला रानी की आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को शक्ति प्रदान करे। हमारे मंत्रिमंडल में प्राविधिक शिक्षा के मंत्री श्रीमती कमला रानी वरुण नहीं रही। विगत कई दिनों से प्रदेश के प्रतिष्ठित चिकित्सा संस्थान SJPGI में उनका उपचार चल रहा था, वो कोरोना पॉजिटिव थे। आज सुबह उनका दुखद निधन हुआ है। मैं श्रीमती कमल रानी वरुण जी के दुखद निधन पर उनके प्रति कोटि कोटि श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। शोक संतप्त परिवारों के परिजनों के प्रति अपनी संवेदना भी व्यक्त करता हूं। श्रीमती कमल रानी वरुण एक लोकप्रिय जननेता और वरिष्ठ समाजसेवी थी। 11वीं और 12वीं लोकसभा की वह सदस्य थी। 2017 में घाटमपुर कानपुर से भारतीय जनता पार्टी से उत्तर प्रदेश विधानसभा की सदस्य चुनी गई थी और विगत वर्ष ही मंत्रिमंडल के विस्तार में उन्हें प्राविधिक शिक्षा का दायित्व दिया गया था। बड़ी कुशलतापूर्वक उन्होंने मंत्रिमंडल में अपना कार्य किया। उनका दिवंगत होना समाज का भी, सरकार का भी और पार्टी की भी पुण्य क्षति है। मैं दिवंगत आत्मा के प्रति अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वह दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे और शोक संतप्त परिजनों को इस अपार शोक को सहन करने की सामर्थ्य भी प्रदान करें।